हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास है सोलिडाइजेशन। उसके बाद देखिए आपको मैंने बताया था कि सीएमसी क्या होता है, पता है ना सीएमसी व्हाट इज द क्रिटिकल माइसिलरी कंसंट्रेशन। मैंने क्या बताया था कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं उन सर्फेक्टेंट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, उनका एक हेड होता है ठीक है, और हेड के बाद क्या होता है उनके पास एक टेल होता है, जिसमें से जो टेल होता है वो होता है लाइपोफिलिक नेचर का और हेड होता है वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक। बताया था सीएमसी में, तो जैसे ही इसको कोई पार्टिकल मिला ड्रग का, जैसे मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल है और ये डस्ट पार्टिकल मैंने क्या मान लिया ये ऑयल है, तो अब ऑयल है तो इस पर कैसे अटैच करेगा ये, क्योंकि इसका लाइपोफिलिक पार्ट इससे अटैच करेगा, ठीक है इसका लाइपोफिलिक पार्ट इससे अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद यहां पीने वाले पार्ट जुड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज कॉल्ड माइसिली, ये बताया था माइसिली, ये माइसिली का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी तरह से हम उसको यहाँ पे बीच में वाटर का यहाँ मॉलिक्यूल बना दे, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो वाटर का हो, तो इस केस में क्या होने वाला है, अब ये माइसिली थोड़ा सा उल्टा बनेगा, अब हाइड्रो जो फिलिक वाला पार्ट है वो इसके पास आएगा और लाइपोफिलिक वाला पार्ट थोड़ा सा इससे दूर रहेगा, ठीक है दोनों ही केस में क्या बन रहा है माइसिली। अभी तो माइसिली का फॉर्मेशन हो रहा है, तो समझो तो माइसिली का फॉर्मेशन होने से फायदा क्या हो रहा है, माइसिली का फॉर्मेशन होने से फायदा क्या हो रहा है कि ये जो ऑयल और वाटर थे इसके बाहर तो ये वाले हेड से क्या जुड़ेगा वाटर जुड़ेगा और इस वाले हेड से क्या जुड़ेगा ऑयल जुड़ेगा। यानी अगर इसको हम इस तरह से देखें, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारा ऑयल मॉलिक्यूल, तो जब भी सर्फेक्टेंट जुड़ता है तो ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ जुड़ेगा, तो ये दोनों पार्ट अभी आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सर्फेक्टेंट हमने डाला और माइसिली का फॉर्मेशन हुआ ऑटोमेटिक ये दोनों एक दूसरे करीब आ गए और घुल गए, जो पहले घुल नहीं रहे थे घुल। यानी आप इमेजिन करिए कि आप कभी तेल और पानी लेके मिलाइए, नहीं मिलेगा, हल्का डाल दिए निर्मा उसमें डाल दिए डिटर्जेंट डाल दिए सर्फेक्टेंट होता है वो उसको मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे का किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड का सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन के द्वारा सर्फेक्टेंट के यूज के द्वारा आपस में सोल्युबलाइज करना मिक्स करना दिस इज कॉल्ड सोल्युबलाइजेशन। समझ आया, सोल्युबलाइजेशन का हिंदी में होता है घुलनशीलता घोलना। सोल्युबलाइजेशन क्या है, कोई भी दो इमिसिबल नेचर का ड्रग उसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम सर्फेक्टेंट डालेंगे तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही सर्फेक्टेंट आता है सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक एंड जो है जो उसका हेड वाला एंड है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और लाइपोफिलिक टेल जो है वो लाइपोफिलिक वाटर ऑयल से जुड़ता है और दोनों को पास लाता है, जब पास लाता है तो इंटरफेसियल टेंशन कम करता है और जैसे ही टेंशन कम होता है ये आपस में मिक्स करते हैं, इसी कार्यक्रम को बोलते हैं सोल्युबलाइजेशन। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड सोल्युबलाइजेशन, बस इतना ही है, दो नंबर का शॉर्ट नोट आएगा इतना ही, व्हाट इज द सोल्युबलाइजेशन। एक वर्ड और आता है डिटर्जेंसी, डिटर्जेंसी नाम सुना सुना लगा, डिटर्जेंट सुना है, डिटर्जेंट क्या काम होता है, डिटर्जेंट का सफाई करना ना, आपके कपड़ों में, आपके कपड़ों में या किसी भी सरफेस पे, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो सतह हो चाहे वो दीवार हो चाहे जमीन हो कोई सरफेस हो, अगर वहां पे ऑयल या वाटर के डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो गए हैं, जैसे आपको ग्रीस गिर गया, मोबिल गिर गया, तो अब ये जमीन पे है तो इसको साफ करो तो चिकनाहट नहीं जाती, नहीं जाती है ना, कपड़ों भी गिर जाती है, अगर ऑयल गिर गया तो उसकी चिकनाहट घी तेल नहीं जाती, लेकिन जब हम डिटर्जेंट का यूज करके धुलते हैं तो चली जाती है। तो डिटर्जेंसी यही है, किसी भी सरफेस चाहे वो क्लॉथ हो चाहे वो वॉल हो चाहे वो फ्लोर हो, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे जब हम ऑयल के ड्रॉपलेट्स को या ऑयल की इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं उसे कहते हैं डिटर्जेंसी। आसानी से हिंदी भाषा में कपड़ा धोते हैं वो है डिटर्जेंसी, हम जो कपड़ा धुलते हैं वो क्या है डिटर्जेंसी, क्योंकि हमारे कपड़े में क्या होगा डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, जिसको डिटर्जेंसी, सीधी सी बात है। ये भी क्या करेगा, सिंपल सा माइसिली का फॉर्मेशन करेगा, भाई ये मान लीजिए हमारा कोई कपड़ा है, भाई ये कपड़ा है अगर उसको जूम करके देखेंगे तो उस कपड़े में इस तरह से थ्रेड्स बने होते हैं, भाई हमारा कपड़ा धागों से मिलकर बना, अब उन धागों में ऑयल के पार्टिकल कहीं कहीं फंसे हुए, भाई कपड़े हमें गंदे क्यों दिखाई देते, क्योंकि हमें तो कपड़े के अंदर ये धागे नहीं दिखाई देते, लेकिन एक्चुअल में इन कपड़ों के अंदर अगर हम जूम करके देखेंगे इन कपड़ों में बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं स्ट्रिचेस होते हैं धागे होते हैं और इन धागों के बीच में बड़ा छोटा सा स्पेस होता है जो स्पेस हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी स्पेस में जब हवा हमारी बॉडी से अंदर से बाहर हवा गुजरती है तो हवा के साथ क्या आती है धूल के पार्टिकल आते हैं ऑयल के पार्टिकल आते हैं, तो वही पार्टिकल इन कपड़ों के बीच में घुस जाते हैं,
और कपड़े ऑटोमेटिक गंदे दिखते हैं, आप बाहर से झाड़ते हैं, इसे इसे गंदा गंदा ही रहता है क्योंकि ऊपर तो लगा नहीं, वो कहाँ लगा, इसके अंदर लगा है, जो हमको दिख रहा है कपड़े में गंदा दिखने लगता है। तो जब हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं, तो ये उन्हीं ऑयल और वाटर पार्टिकल के साथ माइसिली का फॉर्मेशन करते, माइसिली का फॉर्मेशन करके इसको रिमूव कर देता है। ये क्लॉथ है ठीक है, और ये हमारे क्या है, डस्ट ठीक है, और इसी को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड डिटर्जेंट। खत्म, एक चैप्टर बचा है, एक लेक्चर बचा है, इसमें एडजॉर्प्शन, बस हमारा यूनिट थर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एडजॉर्प्शन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, फ्री जॉर्प्शन, फ्री जॉर्प्शन, और उसकी दो थ्योरी, लैंगमुइर थ्योरम और फ्रेडरिक थ्योरम, बस इतना पढ़ लेंगे, एक क्लास में हमारा यूनिट थर्ड खत्म हो जाएगा। चलो लिखते हैं इसके बारे में।